हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5B का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 to 16, और पढ़ेंगे कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें फाइंड एक्स सच दैट 2a - b + x = 0। हम यहाँ पे आपको पूरा आर्यस अग्रवाल का फुल सोल्यूशन दे रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, या फिर 11 हो या 12 हो। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। ए की वैल्यू है 3102 और बी की वैल्यू है -2103। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से हम 2a - b + x = 0 दिया गया है, तो एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो बी माइनस टू ए आएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, बी की वैल्यू हम रखेंगे जो कि दिया हुआ है, या माइनस के सिंबल है, बी की वैल्यू दिया गया, ए में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूंकि 2a लिखा हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 2 1 2, 0 और 4 हो जाएगा, सेपरेट कर देंगे, -2 - 6 - 8 हो जाएगा, 1 - 2 - 1 आएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ये कह रहा है कि अगर ए और बी की वैल्यू दिया गया तो हमें फाइंड करना है सी, ऐसा है कि सच दैट है a + b + c इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। a + b + c क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो सी फाइंड करना है, तो यहाँ हम a + b + c इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी c = -a - b, तो a की वैल्यू यहाँ लगा लेंगे, आगे माइनस है, माइनस b की वैल्यू लिख लेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 0 और -2, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3, 3 - - प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, दिया गया है, देखिए, अ डायगोनल 2 - 5 - 9। अब ए इक्वल टू इसका डायगोनल दिया गया है, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है 2 - 5 - 9, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0 0 0 - 5 9 0 0, यहाँ 0 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 0 0 0 - 5 0 0 0 9, इस तरह से, और उसके बाद इसको भी उस तरह से, इसको भी इस तरह से, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट में सॉल्व कर लेंगे। लिखा हुआ है a + 2b। अब देखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं दो मैट्रिक्स, अगर हम दो मैट्रिक्स लिखें, तो यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ से ऐड होगा, है ना, यहाँ वाला इससे होगा, यहाँ वाला यहाँ वाले से होगा, ये इससे होगा, यानी डायगोनल वाला डायगोनल से ये ऐड होगा या फिर सेपरेट होगा, तो हमें a + 2b, तो a इक्वल टू डायगोनल कितना दिया गया है, प्लस डायगोनल। अब ये जो b है, 2b लिखा है, तो हम b वाले में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 3 2 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 14 2 जा, यानी ऐड कर लेंगे तो 2 - 6 - 4 - 5 + 14 9, और 9 + 28 - 37, ये हमारा a + 2b का आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम b + c - a का निकालेंगे, डायगोनल a प्लस डायगोनल c की वैल्यू और माइनस डायगोनल a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू। अब इसको इसको ऐड कर लेंगे तो डायगोनल 1 1 1 आ जाएगा, -2 - 5 - 9 ऐड करेंगे, -3 और 4 1 होगा, 7 - 6 1 होगा, और 14 और +3 17 हो जाएगा, 1 1 17 है, 2 - 5 और 9 इसको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा -1 6 8। सेम इसी तरह से जो थर्ड नंबर है, ये आप खुद से लगाएंगे, जो कि है 2a + b - 5c। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, इसमें देखिए कई क्वेश्चन है, पहला है एक्स मैट्रिक्स x + y x - y = 8 4 लिखा हुआ है, तो x + y = 8 के बराबर होगा और x - y 4 के बराबर होगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x = 12 आ जाएगा, यानी x = 6 हो जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में, पहले या दूसरे में, किसी में भी हम रख लें, फ्रॉम 1, अगर 1 में रखते हैं तो 6 + y = 8 होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 8 - 6 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए 2x + 5 7 0 3 - 7 3y - 7 x - 3 7 0 - 5, तो यहाँ पे देखेंगे इसका इसके साथ कंपैरिजन, 7 का 7 के साथ, 0 का 0 के साथ, 3y - 7 का - 5 के साथ, तो 2x + 5 का जब हम x - 3 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 2x - xx हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -3 - 5 - 8 हो जाएगा, 3y - 7 को -5 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो y = 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 14 का, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ 2x
फाइव सेवन वाई माइनस थ्री प्लस करके है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स, फाइव टू जै टेन, सेवन टू जै फोर्टीन, टू वाई माइनस सिक्स। और ये हमारा है फाइव माइनस फोर वन और टू, ये फाइव है, सेवन सिक्सटीन। अब इसको ऐड करेंगे तो टू एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, टेन माइनस फोर सिक्स हो जाएगा, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन हो जाएगा, टू वाई माइनस सिक्स, माइनस सिक्स और प्लस टू माइनस फोर हो जाएगा। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू सेवन होगा, तो सेवन माइनस फाइव टू, यानी एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे टू वाई माइनस फोर इक्वल टू फोर्टीन, इसका कंपेरिजन इसके साथ टू वाई इक्वल टू एटीन आएगा, यानी वाई इक्वल टू नाइन आ जाएगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है, टू वन थ्री जीरो एक्स वाई जीरो वन टू फाइव सिक्स वन एट, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सिक्स, थ्री टू जै सिक्स जीरो और टू एक्स हो जाएगा, वाई जीरो वन टू ऐड कर लेंगे तो टू प्लस वाई सिक्स हो जाएगा, जीरो प्लस वन, यहाँ जीरो प्लस वन वन होगा, और यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस टू। तो कंपैरिजन करेंगे तो टू प्लस वाई इक्वल टू फाइव, यानी टू प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो वाई इक्वल टू थ्री आ जाएगा। और कंपैरिजन करेंगे वहाँ से, यहाँ से टू एक्स प्लस टू इक्वल टू एट, तो टू एक्स इक्वल टू सिक्स, यानी एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी जा रही है, तो एक्स की वैल्यू थ्री है, वाई की वैल्यू भी थ्री है, तो जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा सिक्स। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, एक्स माइनस वाई टू वाई, टू वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई वन फोर नाइन फाइव। हमें एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन हो जाएगा, टू वाई इक्वल टू फोर हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी टू। पहले यहाँ निकाल लेंगे वाई की वैल्यू टू, अब यहाँ पे वाई की वैल्यू रख देंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री। यहाँ से टू वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन है, तो वाई की वैल्यू हमें टू पता है, तो टू टू जा फोर यहाँ पुट करेंगे, तो टू का मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा, यानी जेड इक्वल टू फाइव आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज फाइव भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, तो क्या कंडीशन है उसका मल्टीप्लाई करने का, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उसका तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है बी आई जे जिसका ऑर्डर एन क्रॉस पी है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी है। बी टू मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ये पहला रो होता है दूसरा कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर ऐसा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ए बी, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो अगर सी आई जे है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी होगा। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो दोनों बराबर होना चाहिए, और दूसरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी। आप ध्यान देंगे ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी, और ये दोनों चीज़ जो है वो बराबर होनी चाहिए, यानी जो लिखा हुआ है, यानी कि इसका ए आई जे का कॉलम और इसका रो, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट कर सकता है, या हो सकता है कि दोनों ना एग्जिस्ट करें, या हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करें, यानी चार कंडीशंस हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कैसे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का देखिए, मल्टीप्लाई में सबसे ज़रूरी बात यही है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हम आगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी करके, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है ई एफ जी एच करके, ठीक। तो अगर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ए बी का, दोनों मैट्रिक्स को हम पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ई एफ जी एच। सबको पता है कि ये हमारा रो वन होता है, यानी कि हम आर वन कहते हैं जिसको, आर वन कहेंगे,
ये हमारा रो टू होता है, ये सी वन होता है कॉलम फर्स्ट, ये हमारा कॉलम सेकेंड होता है। एक मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स को ले लें तो ये हमारा क्या होता है, ये आर वन होता है, ये आर टू होता है, ये सी वन होता है, ये सी टू होता है, यानी ऐसे कॉलम, और इधर हॉरिजेंटल रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में हम इसमें इस साइड की तरफ जाते हैं, यानी इधर एरो बना लेते हैं और इसमें नीचे की तरफ आएंगे। आई बात समझ में? तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का किसके साथ करेंगे, ई के साथ, उसके बाद लगाएंगे प्लस, फिर बी का किसके साथ करेंगे, इधर जाएंगे तो बी का किसके साथ करेंगे, जी के साथ। आई बात समझ में? फिर आगे ए का हम करेंगे किसके साथ, एफ के साथ, ए का किसके साथ करेंगे, एफ के साथ, और प्लस बी का किसके साथ, एच के साथ। यानी देखिए हमने इसको इसको लेंगे तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। हमने पहले फर्स्ट रो को लिया, फिर पहले कॉलम में करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम, पहले कॉलम में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, दूसरे कॉलम में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब तीसरी बात, अब हम देखिए अब रो को चेंज करेंगे, यानी दूसरा वाला रो लेंगे पहले वाले मैट्रिक्स में, तो सी का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पहले कॉलम के साथ, सी ई प्लस डी जी, यानी डी का जी के साथ। अब हम सी का किसके साथ करेंगे, एफ के साथ, और डी का एच के साथ। आई बात समझ में? एक बार फिर से समझा देते हैं, हम इस वाले में इधर चलेंगे और इस वाले में इधर चलेंगे। ए का मल्टीप्लाई ई के साथ प्लस बी का जी के साथ, फिर ए का एफ के साथ, बी का एच के साथ, सी का ई के साथ, डी का जी के साथ, फिर सी का एफ के साथ, डी का, यानी पहले रो को कांस्टेंट रखेंगे, कॉलम को चेंज करेंगे, फिर दूसरा वाला रो लेंगे, इन दोनों में कॉलम को चेंज करेंगे। आई बात समझे? इसी तरह से हम अब दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब थ्री, जैसे देखिए इसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू का है, इसका भी ऑर्डर टू क्रॉस टू का है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टू हैं, इसमें भी नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, टू हैं, यानी कि ये दोनों बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर जो मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आएगा, तो हम इसको और इसको लेकर के देखेंगे, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर, टू क्रॉस टू का, आप साफ सीधे देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना आया, टू क्रॉस टू का आया है। इसी तरह से हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू थ्री क्रॉस थ्री का ले लेते हैं, ए वन बी वन सी वन, या ऐसे ए बी सी डी ले लेते हैं, ए वन बी वन सी वन, एक मिनट, ऐसे नहीं, ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे ले लेते हैं, और बी दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे मान लिया हमने दो मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं, ए बी को, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, हमने लिखा। अब इसके बाद देखिए अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले वाले इस रो को लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें, ए का जे के साथ, फिर प्लस बी का यम के साथ, फिर प्लस, फिर सी का पी के साथ, ये हो गया। फिर ए का, अब अभी हम रो को चेंज नहीं करेंगे, अब ए का किसके साथ, के साथ, फिर बी का एन के साथ, फिर सी का क्यू के साथ, इसी तरह से फिर ए का एल के साथ, प्लस बी का ओ के साथ, प्लस सी का आर के साथ, ये हमारा एक स्टेप हुआ। इसी तरह से अब डी का जे के साथ, फिर प्लस ई का यम के साथ, फिर एफ का पी के साथ, फिर डी का के साथ, प्लस ई का एन के साथ, प्लस ये हमारा एफ का क्यू के साथ। आ रहा है समझ में? अब फिर इसी को लेंगे, अब ए का नहीं डी का एल के साथ, प्लस ई का ओ के साथ, प्लस एफ का आर के साथ। आई बात समझ में? अब फिर रो को चेंज करेंगे, अब जी का जे के साथ, प्लस एच का एम के साथ, फिर आई का पी के साथ, फिर यही रो, अब कॉलम चेंज करेंगे,
जी का, के साथ, फिर एच का, एन के साथ, फिर आई का, क्यू के साथ, फिर आगे जी का, एल के साथ, प्लस एच का, ओ के साथ, आई का, आर के साथ। आया समझ में? एक बार फिर से बताते हैं। पहले हम फर्स्ट रो को लेंगे, अब इसमें तीनों कॉलम चेंज करेंगे। पहले कॉलम में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, दूसरे में करेंगे यहाँ लिखेंगे, तीसरे में करेंगे यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरे रो को लेंगे, पहले में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। फिर रो को चेंज करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, इसमें करेंगे तो यहाँ, इसमें करेंगे तो यहाँ। यानी ए का जे के साथ, बी का एम के साथ, सी का पी के साथ। फिर रो चेंज नहीं करेंगे, अब कॉलम चेंज कर देंगे। यहाँ लिख लेंगे प्लस प्लस लगा के, फिर इस रो को लेंगे तो यही कॉल, दूसरा वाला कॉलम, ए का के साथ, बी का एन के साथ, सी का क्यू के साथ। फिर कॉलम चेंज करेंगे, ए का एल के साथ, बी का ओ के साथ, सी का आर के साथ। फिर डी का जे के साथ, ई का एम के साथ, एफ का पी के साथ। फिर डी का के साथ, ई का एन के साथ, एफ का क्यू के साथ। फिर कॉलम चेंज करेंगे, डी का एल के साथ, ई का ओ के साथ, एफ का आर के साथ। अब फिर रो चेंज करेंगे, जी का जे के साथ, एच का एम के साथ, आई का पी के साथ। फिर दूसरे वाले कॉलम से होगा तो यहाँ जी का के साथ, एच का एन के साथ, आई का क्यू के साथ। जी का एल के साथ, एच का ओ के साथ, आई का आर के साथ। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर एक दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 2x2 का हम एग्जाम्पल एक बता देते हैं। जैसे हमें मान लीजिए दिया है 1 2 3 4, और दूसरे में है 5 2 3 4। अगर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, कितना होगा 5, इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ होगा, इसका 3 2 जा 6, फिर 1 का 2 के साथ, 2 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, फिर 3 का 5 के साथ तो कितना आएगा 15 आएगा, फिर 4 का 3 के साथ 12 आएगा, फिर 3 का 2 के साथ 6 होगा, 4 का 4 के साथ तो 16 आएगा। यानी पहले एक रो को लेंगे, कॉलम चेंज कर लेंगे, फिर दूसरा रो लेंगे, फिर दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 8 2 10, और 5 2 7, 1 2 27, और ये हो जाएगा 22। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 लिखा है, 2 1 0, यहाँ दूसरा है, मान लेते हैं हम लिखा है 2 1 3 0। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 के साथ तो 3 2 जा 6, प्लस लगाएंगे इसका इसके साथ, 3 2 जा 6। अब फिर अब यही रो रहेगा लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 2 का 0 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ तो 2, फिर 0 का 3 के साथ तो 0, फिर 1 का 1 के साथ 1, 0 का 0 के साथ 0, ऐड कर लेंगे 12 3 2 1, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आया होगा सबको समझ में। अब अगले एक्सरसाइज में हम इसकी प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, और इस पे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, एसोसिएटिव फॉलो करता है कि नहीं, एडिटिव इसका आइडेंटिटी क्या है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये सारी चीज़ हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो लेक्चर 3 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोडक्ट में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और उसको सॉल्व करना है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।